राम राम दोस्तों। भाई आज जा रहा हूँ मैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। देखो आगे फिर कहाँ जाते हैं पासपोर्ट बनवा के। फ़िलहाल तो अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ गुड़गांव के लिए। हालत भी बहुत डल है, मतलब जुखाम, खांसी और फीवर, थोड़ा थोड़ा स्वाद अनुसार तीनों हैं। तो भाई अब निकल रहे हैं हम घर से मामा के, तो मिलते हैं तो आपको आगे। यहाँ पे अभी मैं कैब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हर किसी के अलग अलग रेट हैं। अब बार्गेनिंग करने का तो मन है नहीं, लेकिन क्या करें, थोड़ी पैसे बचा लें। हालत बहुत ख़राब हो गई, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ऊपर से फीवर वगैरह, तो भाई बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा बिल्कुल जाने का। दो तीन दिनों से हो रहा है फीवर वगैरह, लेकिन क्या करें, अब आज की डेट है, अभी कैंसिल करवाऊँ फिर पता नहीं कब हो। और ऊपर से मुझे और जगह भी जाना है अभी ऋषिकेश साइड में। तो भाई बने रहिए ब्लॉग में, देखिए क्या होता है आगे। ओला उबर वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, अभी इधर देखते हैं कितनी देर में आती है कैब। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कैब आती है, वो 100 रुपये पर सवारी ले जाती है। दिल्ली की फेमस चीज़ जाम, इतना तगड़ा जाम कहीं नहीं मिलेगा आपको जितना दिल्ली में मिल जाता है। एक एक दो दो किलोमीटर लंबा जाम, जाम ही जाम भाई। हालत तो ऐसी ख़राब हो जाती है यहाँ पे तो। आगे अंकल जी कह रहे हैं कि धोला कुआं तक जाम मिलेगा। सुबह सुबह जल्दी निकल गए, सब खाली मिल सका नहीं तो फिर तो सुबह तो बिल्कुल खाली है। अच्छा। 50 मिनट पहुँच जा रहे हैं, 10 बजे का ऑफिसों का टाइम रहता है। 40 मिनट 50 मिनट तो इस टाइम तो डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे लग जाते हैं पहुँचने। देखो ना गाड़ी चले ही नहीं तो कहाँ से पहुँचेगी। हाँ ये भी है, तो भाई 10 बजे का टाइम है जाम का। निकाल दो ना। और भाई बिल्कुल खींच के है, 2-3 किलोमीटर लंबा। भाई हम जैसे भी तो दिल्ली में रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस जगह पे जाम वाम इतना किचड़ पिचड़ चे चे पे रहे। अब हमें आदत हुई खुले जगह में रहने की, कि जहाँ कोई शोरगुल नहीं कुछ नहीं, बहुत मुश्किल होती है भाई। इतनी सवारी पलवल या गोवा साइड में एक साथ वैसे देखने को नहीं मिली कभी। यहाँ तो बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा है जैसे कहीं रैली चल रही हो, कोई मोदी वोदी की रैली में बढ़ रहे हो सारे के सारे। उनका पीछे के साइड में एम्बुलेंस भी फंसी पड़ी है इधर। यहाँ के पीछे लगाइए तो एम्बुलेंस के निकल जाएगा फटाफट। एम्बुलेंस के पीछे लगानी पड़ेगी। हाँ तो भाई यहाँ स्कीम चलानी पड़ती है थोड़ी भागने के लिए। एम्बुलेंस के पीछे पीछे भागेंगे तो। हाँ लगाओ 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 लगाओ, बस बस कोई और लगा देगा उनमें। तो एम्बुलेंस के सारे हम भी निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें भी मरीज है ही हम। हालत तो इतनी ख़राब हो रही, इसके पीछे पीछे चलोगे रास्ता बंद हो जाएगा। सब इन्हीं का ही वेट करते हैं कि एम्बुलेंस निकले, उनके पीछे पीछे सारे ही चले जाए वेट कर, क्योंकि कौन फंसना चाहेगा इतनी जाम में। एम्बुलेंस के सारे निकल भी जाते हैं। अभी हम पहुंच गए पासपोर्ट ऑफिस पे।
से बोला था कि भाई टैबलेट दिला दे कहीं, मुझे लगा कि टैबलेट खा के थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी, लेकिन ये कह रहे हैं भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पे आपको नहीं मिल सकता कुछ भी। तो यार अब क्या कर सकते हैं, अब तो भाई किस्मत ही साथ देगी। तो भाई मैंने अंदर जाके पूछा सामने कि भाई कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पूछा उन्होंने, मैसेज देखा, वो कह रहे हैं 2:30 का टाइम है तो आपको 2 बजे ये मतलब बुला लेंगे पासपोर्ट के लिए, तो इंक्वायरी के लिए। अब तब तक के लिए भाई 2 घंटे, अभी 12 भी नहीं बजे, अभी यहीं फोड़ने हैं 2 घंटे। बाकी मैंने एक मुँह का टेस्ट बदलने के लिए क्रैकर ले लिए, नट क्रैकर, और ये लाया हूँ घर से पानी। अरे तो यार यही है जो है खाने पीने के लिए, ज़्यादा फालतू बाहर का खा भी नहीं सकता। इसमें गर्म पानी करके लाया था क्योंकि ठंडा पानी घर वालों ने मना किया है, कह रहे कि बाहर ठंडा पानी पी लेगा तो, इसलिए कसम वसम दे के इसमें भर्ती सिस्टम में गर्म पानी उबाल के, अब भी गर्म ही है यार इसमें पानी, तो मन तो कर रहा है ठंडा पानी पीऊँ लेकिन नहीं भाई, मन की सुनी तो लंबा लौट जाऊंगा बिस्तर पे। तो भाई 1 घंटा तो निकल गया है, अब बच रहा है 1 घंटा। मुझे कुछ याद है, सिस्टर ने मुझे चॉकलेट मतलब टॉफी वगैरह दी थी, मेरे बैग में ऐसी पड़ी रहती है सारी, क्योंकि मैं बार बार जाता रहता हूँ तो कभी कभार मन करता, कभी आधी रात में मन कर जाता है खाने पीने का। ये है दुबई स्पेशल चॉकलेट, तो भाई दुबई स्पेशल को गुड़गांव में खाया जाएगा अब फीवर स्पेशल में, क्या पता ठीक हो जाए। मीठा सा खाने का मन, अरे मेल्ट हो गई है। इसमें आलमंड एंड डेट है, बढ़िया हो रहा है यार। अभी पासपोर्ट बनानी है, लेकिन दुबई के चॉकलेट मतलब मीठा कुछ होता है ना, स्टार्ट में कुछ अच्छा काम करो तो आई थिंक भगवान करे बन जाए। दो बज गए हैं और इन्होंने अंदर ले लिया मुझे, और 2:30 का है मेरा, अब तब तक के लिए यहाँ पे वेट करना है। काश पहले बिठा देते थोड़ी यहाँ का ये है। यहाँ पे वीडियो बनानी अलाउ तो है नहीं, लेकिन बाहर तक बना सकते हैं, वैसे अंदर जाओगे तब ऑफ करना पड़ेगा कैमरा वगैरह। तो यार सब्र का फल मीठा होता है, और ये फल मुझे जब मिलेगा, जब पासपोर्ट आ जाएगा। गेट पे अभी टेम्परेचर चेक करने वाला भी है, देखते हैं टेम्परेचर कितना आता है। बाकी मैं पानी वानी पी रहा हूँ बराबर, और खा भी रहा हूँ नमकीन वगैरह तो क्या पता ना आए टेम्परेचर में, देखो यार क्या होता है, भगवान भरोसे है सब। यहाँ पे इन्होंने वेटिंग के लिए बढ़िया बना रखा है कि आप यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन फ़ायदा नहीं है भाई, ये आपको मतलब ओनली 15 या आधे घंटे पहले ही लेंगे, 15 मिनट या आधा घंटा पहले, तो आप अंदर नहीं आ सकते। बाकी खाने पीने का भी है यहाँ पे, अंडा परांठा, आलू परांठा, मुर्ग मेथी परांठा, रिपोर्टिंग टाइम 2 बजे। बुला तो रहा है भाई, अब 2:15 दो कितने बजे देखे। तो भाई मिलते हैं आपको आगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे, कोई आएगा तो खाम खा कुछ बोल ना जाए, फायदा ना हो, ऐसी किस्मत ख़राब चल रही है। जय हो गणपति बप्पा की। अब हो गए हम फ्री, मतलब इतनी देर वेटिंग का फल तो मिल गया, हो गया है, बस वो नाम में कन्फ्यूज़न है। वो ये कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर में आपको हेडलाइन देनी पड़ेगी कि आपका नाम ये था और आपने सरनेम भी लगाया। अब यार पहले पता नहीं होता क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, अब
टेंथ में सरनेम नहीं लगा रखा और ट्वेल्थ में सरनेम लगा रखा है और डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड में भी। अब भाई उन्हें चेंज करना पड़ेगा, बाकी तो सब एक नंबर रहा। बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये करो वो करो जैसे होता है ना सरकारी में, उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया आप जाओ ये आपको ये कह दे, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं। बाकी यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे, भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने प्यार से ही बोला कि बाबू आप ऐसे करना ये करना, वो बहुत कम मिलते हैं यार ऐसे ट्रीट करने वाले भी। तो भाई पासपोर्ट का हो गया है, अब चलते हैं अब दिल्ली को, तो मिलते हैं आपको आगे। अब घर पे भी फ़ोन आ रहे हैं घर से धड़ाधड़, अब घर पे भी फ़ोन करके बता दिया जाए उन्हें कि भाई हो गया क्लियर